Redmi Note 4 के लिए Resurrection Remix का लेटेस्ट अपडेट आ गया है, जो कि वर्जन है 8.6.6 ऑफिशियल Android 10। और यहाँ पे क्या कुछ हमें देखने को मिलता है, हालांकि यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन है काफ़ी ज़बरदस्त है। जैसे कि Resurrection Remix हमेशा से जो है कस्टमाइजेशन के मामले में सबसे टॉप पे ही रहता है, तो यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन तो मिलेगी मिलेगी। बाकी इसकी परफॉर्मेंस एंड बैटरी बैकअप कैसी है उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लें, ताकि जब भी अगली वीडियो अपलोड करें आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट फ़ोन की, तो यहाँ पे हमारा एंड्रॉयड वर्जन 10 मिल जाता है। Resurrection Remix का जो वर्जन है 8.6.6 मिल जाता है, ऑफिशियल बिल्ड है एंड सिक्योरिटी पैच 5 जनवरी 2021 की बिल्कुल लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है। वेंडर सिक्योरिटी पैच 1 अगस्त 2020 का है। कर्नल हमें यहाँ पे फॉक्स कर्नल एज ऑफ अल्ट्रॉन जो कि 4.9 पे बेस्ड है, ये हमें यहाँ पे कर्नल देखने को मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्टेटस बार की, तो यहाँ पे आपको जो टॉगल्स है कितने मिलते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे टॉगल्स मिल जाते हैं, हालाँकि आपको यहाँ पे एक टॉगल्स है जो कि देखने को नहीं मिलता। इतने टॉगल्स होने के बाद भी यहाँ पे आपको FPS इन्फो का टॉगल देखने को नहीं मिलेगा। FPS इन्फो का जो है टॉगल्स देखने को आप देख सकते हो, कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलता। थ्री डॉट पे रीसेट का ऑप्शन है। और हम यहाँ पे बैक करते हैं और चलते हैं अपने वॉल्यूम पैनल की तरफ। तो वॉल्यूम पैनल आपको यहाँ पे नॉर्मल से इस तरीके से मिल जाता है, लेकिन आप जो है स्टाइल चेंज कर पाओगे जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा। और पावर मेन्यू भी आपका नॉर्मल है, लेकिन एडवांस रिस्टार्ट आप सेटिंग से इनेबल कर सकते हो। और रीसेंट की बात करें तो रीसेंट हमारा काफ़ी स्मूद है, हालांकि रीसेंट आपका बिल्कुल स्मूद मिल जाता है यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमारा जो प्ले स्टोर है ये भी बिल्कुल सर्टिफाइड मिलता है, तो आपको अगर बैंकिंग ऐप यूज़ करना तो विदाउट रूट आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सेफ्टी नेट यहाँ पे पास हमें मिल जाता है विदाउट रूट। और यहाँ पे हम बात करते हैं कैमरे की, तो कैमरा आपका जैसा कि पहले देखने को हमें मिलता था उसी तरीके से आपको कैमरा मिलता है। और यहाँ पे GCam आप 7.4 वाला आराम से यूज़ कर पाओगे, और इस GCam की वीडियो आपको आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो आप देख लेना। अगर आपको चाहिए तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। एंड कॉलिंग की बात करें तो यहाँ पे हमारी वोल्टी बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रही है, साथ साथ यहाँ पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें वीडियो कॉलिंग की, तो वो फिलहाल आपको काम नहीं करेगा, यहाँ पे बग है वीडियो कॉलिंग का, जो कि एंड्रॉयड 10 के सभी रोम्स में आपको देखने को मिलता है नोट 4 के। FM हमारा वर्किंग मिल जाता है यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वर्किंग है बिल्कुल इसी तरीके से। और यहाँ पे अगर हम बात करें ऑडियो इफेक्ट्स की, तो ये बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है। और साथ साथ यहाँ पे आपको डॉल्बी ऑडियो मिल जाता है, जिसकी साउंड तो आपको पता ही है किस तरीके से मिलती है, हालांकि इसमें आपको ईयरफोन लगा के यूज़ करना पड़ेगा। ईयरफोन लगाते ही जो है चालू हो जाता है, और आप यहाँ पे आराम से म्यूज़िक इंजॉय कर पाओगे काफ़ी अच्छे साउंड के साथ। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है डॉल्बी ऑडियो, तो ईयरफोन लगाते ही आपका ये अच्छे तरीके से काम करने लग जाता है, तो आप इसे जो है यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे म्यूज़िक भी आपको देखने को मिल जाएगा, बाकी ये सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिलते हैं। अगर एंटूटू स्कोर की बात करें तो 1,02,057 हमें यहाँ पे स्कोर मिल जाता है, स्कोर आपका काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलेगा। और सेटिंग्स की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा कास्ट बिल्कुल वर्किंग मिल जाता है। Resurrection Remix टूल्स के अंदर चले हैं, तो यहाँ पे हमारा जो है स्टेटस बार में नेटवर्क ट्रैफिक मिलता है, जो कि बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है। और इसमें आप फॉन्ट स्टाइल भी यूज़ कर सकते हो। बैटरी के अंदर आपका बैटरी स्टाइल मिल जाता है, बैटरी परसेंटेज मिल जाता है, और यहाँ पे सो लाइटिंग सिंबल मिल जाता है। और यहाँ पे लोगो की बात करें, तो आप यहाँ से जो लोगो है वो भी आप इनेबल कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो, और आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं अपने स्टेटस बार जेस्चर की तरफ, तो यहाँ पे हम चलते हैं जेस्चर में, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल मिल जाता है, डबल टैप टू स्लीप मिल जाता है स्टेटस बार के लिए, और स्टेटस बार ट्यूनर मिल जाता है। अगर हम चलते हैं पैनल में, तो क्विक सेटिंग्स की सेटिंग्स जो है इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, कि आपको बाकी रोम्स के जो है काफ़ी सारे रोम्स ऐसे हैं जिनमें इतनी सेटिंग्स आपको टोटल नहीं देखने को मिलेगी जितनी इसके क्विक सेटिंग्स के अंदर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारी सेटिंग्स मिलती है, QoS पैनल बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे क्लॉक की सेटिंग्स मिल जाती है, और साथ साथ यहाँ पे डाटा यूजेस आप इनेबल कर सकते हो, और बैटरी परसेंटेज यहाँ पे भी दिया गया है। QoS स्पूटर मिल जाता है, हाई ड्रैग हैंडल मिल जाता है, और यहाँ पे आपको ब्राइटनेस जो कि बटन्स का आपको इनेबल डिसेबल के लिए मिल जाता है। तो काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं जो कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर हम चलते हैं यहाँ पे हेडर के अंदर, तो आप यहाँ से जो है आप अपना हेडर इमेज जो कि आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो इमेज है मैं फिलहाल अपनी जो वॉलपेपर मेरे पास थी उसका मैं यहाँ पे लगा रखा हूँ, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप यहाँ पे जो है लोकल वॉलपेपर मतलब अपने स्टोरेज के अंदर आपके पास जो भी वॉलपेपर है उसका भी आप हेडर बना सकते हो, और यहाँ पे आपको इंस्टॉल हेडर भी मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से भी चाहो तो यूज़ कर सकते हो। हाइट एडजस्ट करने के लिए भी दिया गया है,
और रीसेंट की बात करें तो आप यहाँ पे रीसेंट भी चेंज कर सकते हो स्लिम के साथ, तो स्लिम रीसेंट आपका यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से इनेबल करने के बाद। और वॉल्यूम पैनल के अंदर अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है वॉल्यूम पैनल स्टाइल, जिसके अंदर मुझे एक वॉल्यूम पसंद आया इसका जो कि MIUI का। यहाँ पे कुछ अलग देखने को मिला है, MIUI वाला भी देखने को मिल गया है, जो कि यहाँ पे एक बार आपका सिस्टम UI रिस्टार्ट होता है उसके बाद आपका ये बिल्कुल ऐसे तरीके से अप्लाई हो जाता है और आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे और काफ़ी स्मूथ है। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से MIUI का वॉल्यूम पैनल आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड साथ साथ आपको यहाँ पे एक ऑप्शन भी मिलता है शो पैनल ऑन लैपटॉप, ये भी कर सकते हो, टाइम आउट लगा सकते हो और यहाँ पे नोटिफिकेशन अलार्म, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं यहाँ पे जो कि वॉल्यूम पैनल के अंदर। और सिस्टम के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे एसेंट स्पीकर मिल जाता है, बटन एंड नेविगेशन बटन, जिसके अंदर आप यहाँ पे अपनी हार्डवेयर बटन लाइट जो कि इनेबल डिसेबल कर सकते हो, हार्डवेयर बटन की को भी डिसेबल कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे नेविगेशन वायर जो कि दिया गया है बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है और ये आपका बिल्कुल नेविगेशन बटन बिल्कुल परफेक्ट वर्किंग है। और साथ साथ जेस्चर भी वर्किंग है यहाँ पे, बस आपको इनेबल जब भी करना है थोड़ा सा वेट करना है कुछ सेकंड, उसके बाद आप यूज़ करना, ये बिल्कुल ऐसे तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे आपका जेस्चर एंड नेविगेशन बटन बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, इनमें आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और ये कुछ सेंसिटिविटी सेटिंग्स मिलती है और काफ़ी सारी सेटिंग्स नीचे भी देखने को हमें मिल जाती है। ये थे हमारी जेस्चर की सेटिंग्स एंड 3 बटन नेविगेशन जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है सिस्टम नेविगेशन के अंदर। और यहाँ पे हम बैक करते हैं तो लेआउट भी आपको नीचे मिल जाता है लेआउट चेंज करने के लिए भी, और बाकी आपको आप देख सकते हो तो लॉन्ग प्रेस एक्शन, डबल टैप एक्शन, ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। एंड पावर के अंदर अगर हम चलते हैं तो पावर के अंदर आपको मिलता है यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर का मिल जाता है पावर मेन्यू का, और साथ साथ यहाँ पे एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं तो पावर मेन्यू ऑन लॉक स्क्रीन के लिए भी मिल जाता है। और अब बात करते हैं यहाँ पे पार्ट्स की, तो अगर आपका यहाँ पे स्टेटस बार का पैडिंग इशू आपको देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे आपको कॉर्नर एंड पैडिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। स्टेटस बार एक्स्ट्रा पैडिंग आपको चाहिए तो आप कर सकते हो, एंड कॉर्नर आपको चाहिए तो यहाँ पे कॉर्नर जो है आप यहाँ पे कॉन्टेंट पैडिंग जो कि आप इनेबल अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे, और साथ साथ अभी राउंडेड कॉर्नर भी है, तो ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। और साथ साथ नीचे आपको डिस्प्ले कटआउट का भी ऑप्शन मिल जाएगा जो कि पार्ट्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। और अब हम यहाँ पे बैक करते हैं और यहाँ पे जो है हमें पल्स का भी ऑप्शन मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं। और हम बैक करते हैं तो यहाँ पे हमें बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का भी ऑप्शन दिया गया है और इंटरफेस के अंदर फिंगरप्रिंट सेटिंग्स दी गई है, जिसमें आपका एरर वाइब्रेशन मिल जाता है, फिंगरप्रिंट अनलॉक ऑन बूट मिल जाता है, एज लाइटिंग का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और साथ साथ डैशबोर्ड के ऑप्शन के अंदर आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाती है यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं MIUI का भी ऑप्शन मिल जाता है। और उसके नीचे अगर हम चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल हो गया, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। और यहाँ पे हमारा गेमिंग जो कि गेमिंग मोड देखने को आपको मिल जाएगा, तो ये भी ऑप्शन दिया गया है। मिसलेनियस के अंदर आपका यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, किल ऐप बटन है, और नीचे आपको इसी में अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जो कि आपका स्वाइप टू स्क्रीनशॉट, जो कि 3 फिंगर स्क्रीनशॉट आपको मिल जाता है। या नीचे ब्लिंक प्लस ऑन कॉल मिल जाता है, पिक्सल चार्जिंग एनिमेशन आप ऑन कर सकते हो, सो AOD जो कि वेन चार्जिंग ओनली आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। एंड हम चलते हैं यहाँ पे लॉक स्क्रीन के अंदर, तो यहाँ पे एम्बिएंट ऑप्शन मिलता है जो कि आपका यहाँ पे मिल जाता है, फोर्स ब्राइटनेस एंड यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले का ऑप्शन दिया गया है। और बाहर यहाँ पे लॉक स्क्रीन स्टाइल दिया गया है और हमारा बटन शॉर्टकट हो गया, एंड यहाँ पे लॉक स्क्रीन मीडिया मिल जाता है, और साथ साथ यहाँ पे एनिमेशन के अंदर स्क्रीन ऑफ एनिमेशन हो गया, एंड मिसलेनियस के अंदर वेदर एंड अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है। और अब हम बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी सेवर एंड परफॉर्मेंस के अंदर हमें यहाँ पे परफॉर्मेंस प्रोफाइल भी देखने को मिल जाता है जो कि रिजरेक्शन रिमिक्स में हमेशा देखने को मिलता था, ये आपको मिल जाता है यहाँ पे। और बैक करते हैं तो नीचे आपको टेम्परेचर मिल जाता है। और बैटरी की बात करें तो मैं यहाँ पे जो है 3 आवर 41 मिनट यूज़ किया था, जिसमें से 2 आवर फुल ब्राइटनेस पे यूज़ किया था और 1 आवर 41 मिनट नॉर्मल ब्राइटनेस पे यूज़ किया था, तो मेरी 60% बैटरी बची है। तो बैटरी बैकअप जो है फिलहाल अच्छी देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के अंदर हमारा यहाँ पे लाइव डिस्प्ले मिल जाता है, जिसमें आप कलर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस काम कर रहा है। स्टाइल एंड वॉलपेपर्स के अंदर हमारा यहाँ पे स्टाइल मिल जाता है एक, और क्लॉक स्टाइल आपको यहाँ पे ये कुछ मिल जाते हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, तो क्लॉक स्टाइल में फिलहाल आपको कमी नहीं होगी क्योंकि काफ़ी सारी क्लॉक स्टाइल आपको यहाँ पे मिल जाती है, ग्रिड मिल जाता है। और हमारा यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर है ये आप साइड में देख सकते थे, ये वॉलपेपर हमें मिल जाता है। और हमारा जो ऑटो रोटेशन है काम कर रहा है, लॉक स्क्रीन एंड डिस्प्ले के अंदर ऑलवेज ऑन बिल्कुल ऐसे तरीके से काम कर रहा है, तो ये बिल्कुल वर्किंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं मिलती। एम्बिएंट म्यूजिक टेकर मिल जाता है, एंड एडवांस डिस्प्ले जो कि सेटिंग्स आपको मिल जाती है यहाँ पे, एम्बिएंट डिस्प्ले की सेटिंग्स सॉरी, एंड डबल टैप टू बैक वर्किंग है, पॉकेट डिटेक्शन मिल जाता है, विंड डिवाइसिंग VR ए भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। साउंड के अंदर हमारे नॉर्मली सारी सेटिंग्स मिल जाती है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो अदर साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन नीचे मिल जाता है हमें। और अब हम यहाँ पे चलते हैं सिक्योरिटी के अंदर, तो सिक्योरिटी के अंदर हमें फिंगरप्रिंट मिल जाता है, फेस अनलॉक मिल जाता है, ऐप लॉकर मिल जाता है, और यहाँ पे हमारा जो स्क्रीन लॉक सेटिंग्स है
ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है, डायरेक्ट अनलॉक भी मिल जाता है। और फिंगरप्रिंट की बात करें तो फिंगरप्रिंट हमारा काम कर रहा है एंड्रॉइड 10 की तरह है, लेकिन यहाँ पे जो है कभी कभार डिले भी देखने को मिल रहा है। चीज़ मुझे देखने को मिला, रिबूट करने के बाद भी ट्राई किया लेकिन डिले देखने को हल्का मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये टैप किया, अब जाके ये अनलॉक हो रहा था। कभी कभार ये चीज़ देखने को मिल रहा है, हमेशा नहीं। और यहाँ पे अगर हम बात करें फेस अनलॉक की, तो इसमें फिलहाल कोई भी दिक्कत नहीं है, फेस अनलॉक काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इसमें हमें दिक्कत कोई भी देखने को नहीं मिलती है। और ये ऐप लॉक हमें देखने को मिल जाता है, जो कि आप आराम से यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी सिक्योर भी आपको मिलेगा, यहाँ पे लॉन्चर के अंदर भी एक दिया गया, लेकिन ये वाला ज़्यादा सिक्योर है। और डिजिटल बल्बिंग का सपोर्ट ये हमें यहाँ पे मिल जाता है, तो डिजिटल बल्बिंग का सपोर्ट जो है ये आपको मिलेगा यहाँ पे। और अगर हम चलते हैं सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पे हमारा जेस्चर की सेटिंग दी गई है, जिसमें हमारा जंप टू कैमरा है, सिस्टम नेविगेशन ऑलरेडी आपको दिखाई दिया, रिंगिंग एंड स्किप म्यूजिक ट्रैक मिल जाता है, डिप्टी प्लेबैक देखने को मिल जाता है, और नीचे अपडेटर यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हमारा लॉन्चर जो कि मिल जाता है, तो लॉन्चर के अंदर आपको आइकन दिया गया, जिसके अंदर आप आइकन पैक भी चेंज कर सकते हो। होम स्क्रीन के अंदर आपको ये कुछ सेटिंग्स मिल जाती है, डबल टैप टू स्लीप भी इसमें दिया गया है। और ऐप ड्रॉयर के अंदर आपका 100 आइकन लेवल मिल जाता है इन ड्रॉयर। एंड मिसलेनियस के अंदर हमारा यहाँ पे हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पे ऐप लोग आप यहाँ पे एप्लीकेशन हाइड करने के लिए यूज़ कर लो, लेकिन ऐप लोग वाला सिक्योरिटी वाला यूज़ करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। और अब बात करते हैं यहाँ पे हमारी गेमिंग के बारे में, तो यहाँ पे जो पबजी की ग्राफिक है वो हमें फिलहाल यहाँ पे स्मूथ पे हाई मिलती है, बैलेंस पे मीडियम मिलता है। तो हम यहाँ पे स्मूथ एंड हाई फ्रेम रेट पे खेलने वाले हैं। और फिलहाल अगर आपको अनलॉक करना है 90 FPS, तो उसकी वीडियो आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। और बात करें इसकी पबजी परफॉर्मेंस के बारे में, तो हालांकि पबजी परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे हमें उतनी ज़्यादा बेटर देखने को यहाँ पे नहीं मिली है, जैसे कि बाकी रोम्स में देखने को मिल रही है। इसमें कस्टमाइजेशन अच्छी है, बैटरी बैकअप भी आपको अच्छी मिल जाएगी, लेकिन अगर हम बात करें इसकी पबजी परफॉर्मेंस के बारे में, तो पबजी परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा बेटर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे पबजी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बाकी रोम्स के मुकाबले थोड़ी सी यहाँ पे आपको डाउन मिलेगा, लैग भी थोड़ा सा ज़्यादा उन रोम्स मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे गेमिंग के लिए इसे यूज़ करना चाहते हो, तो फिलहाल मेरी तरफ से तो नहीं है गेमिंग के लिए, अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कस्टमाइजेशन पसंद है, अगर आप थोड़ा बहुत गेमिंग करते हो तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा गेमिंग करते हो तो ये रोम फिलहाल आपके लिए नहीं है, इसमें जो है थोड़ी आपको लैग भी देखने को मिलेगी। तो बस यही सारी चीज़ आज की वीडियो में। और अगर आपको इंस्टॉल करना है, तो आपको इंस्टॉलेशन जो है आई बटन पे मिल जाएगा। इसके जो पहले के वीडियोज़ हैं उन पे इंस्टॉलेशन में बताया था, या फिर बाकी रोम्स जैसे इंस्टॉल करते हो उस तरीके से इंस्टॉल करते हो, ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं है। सिंपली आपको रोम डाउनलोड करना है, ओपन जीएफ करना है, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। और रिकवरी में जाके सिंपली वाइप पे जाना है, और डॉल्विक सिस्टम डेटा विंडर कैच इन पांचों को आपको वाइप कर देना, और रोम को सबसे पहले फ्लश करना है। रोम जब फ्लश हो जाए, तो रोम के लेफ्ट साइड में वाइप कैच आएगा, वाइप कैच कर देना एंड बैक करना, ओपन जीएफ फ्लश कर लेना। ओपन जीएफ फ्लश करने के बाद आपको वहां पे भी वाइप कैच कर देना एंड सिंपली आपको रिबूट कर देना है। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लें, ताकि जब भी मैं अगले वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।